बीजेपी जो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। मध्य प्रदेश में भी मिस कॉल प्रक्रिया के तहत इसने 1 करोड़ सदस्य बनाए हैं। सोचा था जितना बड़ा होगा उतना बेहतर होगा, लेकिन एन चुनावी चौखट पर आकर ये बड़ा कुंभा बेहतरी की बजाय उसके लिए परेशानी का सबब बन गया, और ये परेशानी टिकट की टेंशन के तौर पर उसके सामने आ रही है। जी हाँ, सीटें 230 हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुकों की संख्या हजारों में है। एंटी इनकम्बेंसी के चलते सिटिंग एमएलए का टिकट काटने का दबाव है, तो दूसरे छोर पर अपने सीट न छोड़ने की कसम लिए बैठे विधायक हैं। 1.5 दशक की सत्ता में उपेक्षित कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की चुनौती है, तो उपकृत न हो पाने वाले नेताओं की नाराजगी का भी खतरा है। कुल मिलाकर देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने बड़े कुंभे के चक्कर में मध्य प्रदेश में कई मुसीबतों से दो चार होती नजर आ रही है। चलिए अब हम आपको बताते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के टिकट से जुड़ी असल टेंशन के बारे में। बीजेपी संगठन के नेता ही चुनाव लड़ने की जुगाड़ में जुटे। 12 समितियों के 75% नेताओं ने पेश की दावेदारी। पूर्व मंत्री और हार चुके नेता भी चुनाव लड़ने की जुगत में। मौजूदा मंत्री और विधायकों को दरकिनार करना भी चुनौती। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 100 टिकट काटने के दे चुके हैं संकेत। संबंधित विधायकों की नाराजगी भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। फार्मूला 75 को लागू करना भी बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर। कई नेता अपनी अगली पीढ़ी को भी चुनाव लड़ाने की कोशिश में। कुछ भी कहा जाए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी टिकट वितरण का मसला अपने साथ बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी लेकर आया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्तारूढ़ बीजेपी इस चुनौती का कैसे सामना करती है और अपने नेताओं को साथ लेकर मिशन 2018 की जंग में उतरती है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। टिकट की टेंशन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने की जुगत में लगी बीजेपी की राह आसान नहीं दिख रही है। कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश में 100 टिकट काटने के संकेत दिए, तो 75+ का फार्मूला भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं कांग्रेस कमान जहां कमलनाथ के हाथों में देकर राहुल गांधी ने जो फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू किया है, तो वही छोटी पार्टियों को भी कांग्रेस अपने साथ मिलाने में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी के अंदर भी अगर टिकटों को लेकर भीतर घात होता है तो नतीजे कुछ और ही हो सकते हैं। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष, टिकट की टेंशन। हम इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले हम अपने उन मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें जो इस चर्चा में आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं महेश शर्मा साहब, बीजेपी नेता। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं जितेंद्र मिश्रा साहब, कांग्रेस नेता। जितेंद्र जी, आपको बहुत स्वागत है। और डिजियाना ग्रुप के सलाहकार संपादक रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले महेश जी आपके पास में आते हैं, जिस तरह से टिकटों का टेंशन अभी से और इससे पहले भी, अब वक्त कम है, फार्मूला तय हो रहे हैं, अलग अलग फार्मूले बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, ऐसे में लगता है कि जो भी फार्मूला है वो वाकई उतने कारगर होंगे जो पार्टी बना रही हैं। आपसे ही जानना चाहते हैं, चूंकि आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किस तरह का फार्मूला आपको दिख रहा है टिकटों को लेकर? देखिए, ऐसा है, किसी भी राजनीतिक दल में राजेश जी कार्यकर्ता जब काम करता है तो निश्चित तौर पे उसकी इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की होती है। वही भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जनता की सेवा कर रही है। चौथी बार हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा और इच्छा होगी। कार्यकर्ता पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेगा, कार्यकर्ता को
मूल्यांकन करके जो हमारी प्रदेश की चयन समिति जो गठन होगा वो उस उन कार्यकर्ताओं में से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का चयन करेंगे और उसके आधार पर टिकट का वितरण होगा। चूँकि ये चयन की पूरी प्रक्रिया है, उसके अपने मापदंड हैं, विजयी कार्यकर्ता भी होना चाहिए, किस ढंग से उस कार्यकर्ता का समाज में प्रभाव है, ये सारे मापदंड मुझे लगता है प्रदेश की चयन समिति जो है देखेगी। उसके बाद जो सबसे उपयुक्त कार्यकर्ता होगा उसको चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन महेश जी, जितनी आसानी से आप सारी चीज़ें कह रहे हैं, हमने 2013 में भी देखा था किस तरह से घमासान हुआ था, पार्टी दफ्तर में भी किस तरह से तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन इस बार जो अगर स्थिति देखे, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि संगठन के भी तमाम नेता इस जुगत में हैं और साफ कर चुके हैं कि उन्हें भी चुनाव लड़ना है। दूसरी तरफ टेंशन है, तकरीबन 100 लोगों की टिकट कटने की जिस तरह से खबरें हैं, जो अलग अलग स्तरों पर सर्वे हुए हैं पार्टी के, उसको लेकर तो आपको नहीं लगता कि इस बार जितनी आसानी से यह बात कह रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, लगातार यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करके काम करते हैं। कहीं अगर आप बात कह रहे हैं कि पदाधिकारियों की चुनाव लड़ने की इच्छा है तो निश्चित तौर पर वो संगठन को उस विषय से अवगत कराएंगे। संगठन को लगता है कि उपरोक्त कार्यकर्ता की आवश्यकता विधानसभा में होगी तो निश्चित तौर पर संगठन उसको अपने वर्तमान फॉर्मूला पे हम बाद में आएंगे जिसकी चर्चा बहुत दिनों पहले से है। दो मंत्री भी उस फार्मूले को लेकर हटाए गए थे, सीधे जितेंद्र जी के पास में आएंगे। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे, अगर बीजेपी के सामने टिकट की टेंशन है तो कांग्रेस के सामने भी कम नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि बीजेपी के सामने इसलिए है क्योंकि वो लंबे समय से लगातार सत्ता में है, कांग्रेस के लिए इसलिए है कि वो लंबे समय से सत्ता से दूर है, और दूसरी तरफ जिस तरह से एक गणित चल रहा है, एक समीकरण चल रहा है एक गठबंधन को लेकर, चाहे वो बीएसपी को लेकर हो या सपा को लेकर हो या फिर अभी शरद यादव आए थे उनसे भी दिग्विजय सिंह की जिस तरह से बातचीत हुई है, क्या कहेंगे, ये सारा कुछ आसानी से हैंडल हो जाएगा या आपको लगता है कि नहीं बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी चुनौती? देखिए राजेश जी, मैं आपको बताऊं जी, कांग्रेस में निश्चित टिकटों को लेकर के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं और इस चुनाव में हम ये देख रहे हैं 2018 में कांग्रेस को टिकटों को लेकर के और ज्यादा बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे अगर हम कारण देखें तो यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसलिए दबाव कांग्रेस पर टिकट के लिए ज्यादा है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, रहा सरकार बनाने के लिए, तो राजेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हटाने के लिए, चूंकि किसान विरोधी है, किसी भी दल के साथ यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम उसके साथ समझौता करेंगे, गठबंधन करेंगे और इस चुनाव को जीतने के लिए हम अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेंगे। और देखने में भी आ रहा है कि कांग्रेस में इस बार टिकट को लेकर के बिल्कुल साफ है, सारी चीजें तय हैं और कांग्रेस इस बार लगभग 2 महीने पहले बहुत सारे टिकटों को बांट देगी। नहीं, देखिए जितेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि हाँ निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार वो सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, ऐसे में जो टिकट के दावेदारों की संख्या है वो बढ़ी है, आपको लगता नहीं है कि चुनाव नज़दीक हैं और टिकट के चक्कर में तमाम लोग, बहुत सारे लोग जुटे रहेंगे तो जो जनता के बीच में ध्यान देना चाहिए, जो अपनी अपनी विधानसभा में ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप सरकार बनाने के उसमें हैं? निश्चित तौर पर राजेश जी, टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है जबी तो टिकट मांगने आ रहा है, यहाँ पर भोपाल में, राजधानी में, प्रदेश कार्यालय में। अगर वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करता तो वो किस मुंह से प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस का टिकट मांगने? जल्द आपके पास लौटेंगे। रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में है, सलाहकार संपादक। रमेश जी, क्या कहेंगे, जितनी आसानी से दोनों लोग कह रहे हैं, चाहे महेश शर्मा जी हों चाहे जितेंद्र मिश्रा जी हों, लगता नहीं है कि इतनी आसानी से सब कुछ हैंडल हो जाएगा टिकट को लेकर? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार दोनों ही पार्टियों को टिकट बांटने में मशक्कत बहुत करना पड़ेगी जी। दोनों ही पार्टियों में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और कांग्रेस से ज्यादा मुझे लग रहा है कि समस्या भाजपा के भीतर आएगी जी। भाजपा में 2-3 तरह की समस्याएं हैं, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं 100 लोगों के टिकट कटने की, अगर 100 के टिकट नहीं कटे तब भी 60-70-80 टिकट तक, तो 70 के आसपास टिकट जरूर कटना ही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, इससे पहले भाजपा ने एक फार्मूला दिल्ली नगर निगम में अपनाया था, उन्होंने सारे पुराने लोगों के टिकट काट दिए थे जी।
गुजरात में उन्होंने बहुत सारे टिकट बदले थे, तो इस संभावनाओं को देख करके इस बात पर है कि टिकट वो बहुत कठोरता के साथ बदलेंगे। अब जिनके वो टिकट बदलेंगे वो भविष्य में किस तरह का काम करेंगे ये एक देखने वाली बात है। इसके अलावा भाजपा में दो और समस्याएं आ रही हैं। एक समस्या का जिक्र आपने किया है उम्र का बंधन। मोटे तौर पर भाजपा ये संभावना जो दिख रही है कि संभवतः 70 से ऊपर के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी, हो सकता है अपवाद स्वरूप किसी एकाध दो को एडजस्ट कर ले, तो ये अभी जितने 70 से ऊपर के विधायक हैं, 70 के आसपास के विधायक हैं, उन सब में असमंजस देखी जा रही। फिर करीब आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं, और बल्कि अगर विधायकों की संख्या भी मिला लें तो मिला एक दर्जन से ऊपर ऐसे लोग होंगे जो चाह रहे हैं कि उनके पुत्र को आने वाली पीढ़ी को उसमें टिकट मिले। बिल्कुल, उसमें किसी का छुपा हुआ नाम नहीं है, जैसे गौरीशंकर जी शेजवार कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी अपने पुत्र के लिए चिंता कर रहे हैं। जयंत मलैया जी अपने पुत्र की बात कह चुके हैं, माया सिंह जी अपने पुत्र की बात कह चुकी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी अपने पुत्र की बात कह चुके हैं, और एक लंबी कतार है इसमें। तो ये भी एक भाजपा के सामने बड़ी समस्या होगी कि किसको इसमें से कुछ के पुत्र तो ऐसे हैं जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय का लड़का सक्रिय है, शेजवार का लड़का भी सक्रिय है, गोपाल भार्गव का लड़का भी सक्रिय है, तो इनकी तुलना में जयंत मलैया जी का लड़का उतना सक्रिय नहीं है, तो कहां पर सक्रियता होगी और किसको टिकट देंगे ये समस्या तो होगी। और फिर हो सकता है, मुझे लग रहा है कि वो टिकट का ही प्रेशर होगा जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रकार से मध्य प्रदेश में कैंप करने की उनकी योजना बन रही है। पहले भोपाल का नाम आ रहा था, अब इंदौर का नाम आ रहा है, अब भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात है। ये स्थिति होगी, और लगभग ऐसी ही स्थिति मुझे कांग्रेस में दिख रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस में थोड़ा सा 19-अपन होगा, लेकिन कांग्रेस में भी घमासान होगा, क्योंकि कांग्रेस ने खुद सबसे पहले उन्होंने बकायदा कहा कि आप हमको आवेदन करिए और 50,000 रुपए दीजिए, तो लोगों के मन में बहुत इच्छाएं जागृत हो गई और एक एक स्थान से लंबे चौड़े नाम आए हैं, अब उनके टिकट कटेंगे। फिर दूसरी सब कांग्रेस में एक इससे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस में जो पैनल बनेगा जिताऊ उम्मीदवार का, इसके अलावा व्यक्तियों के प्रभाव बहुत चलेंगे। कोई बंदे हैं जो केवल ग्वालियर संभाग में वो चाहेंगे कि इनको टिकट मिल जाए, कोई दूसरे नेता है जो चाहेंगे कि रीवा संभाग में इनको टिकट मिले, कोई तीसरा नेता है वो चाहेगा कि खंडवा के आसपास इनको टिकट मिले, कोई चाहेगा कि झाबुआ के आसपास इनको टिकट मिले, कोई चाहेगा कि राजगढ़ में, भोपाल में, और इनको टिकट मिले। तो ये जो सारी कम से कम उनके पास 8-10 ऐसे चेहरे हैं जो ये चाहते हैं कि वो उनके समीकरण लोगों को टिकट मिले। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लड़ाई 2013 में भी बहुत जम के हुई थी, और 2013 की लड़ाई में ऐसी टिकट भी कुछ टिकट बट गए थे कांग्रेस के, जिसमें कांग्रेस कुछ सीटें और जीत सकती थी। भाजपा को इनमें से कम से कम मुझे लग रहा है कि अगर टिकट सही होते तो 18-20-25 सीट कांग्रेस और जीतती। तो कांग्रेस के भीतर न केवल कार्यकर्ता का दबाव है बल्कि नेताओं का दबाव भी आगे चल करके आएगा। इन सारी चीजों को लेकर के दोनों ही पार्टियों के सामने अलग अलग किस्म की चुनौतियां हैं, लेकिन दोनों के सामने चुनौतियां हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल काफी रमेश जी काफी आप अहम बात कह रहे हैं कि दोनों के सामने चुनौतियां हैं। हमें चुनौतियां दिख रही हैं, भले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मजबूरी होती है, पार्टी की एक गाइडलाइन होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। आपने जिक्र किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का, जिस तरह से उनका वार रूम पहले भोपाल में बनाया जा रहा था, अभी इंदौर में बनाया जा रहा है। नाम वार रूम है, काम जिस तरह से विपक्ष से लड़ने की रणनीति एक स्ट्रेटजी को लेकर है, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यहाँ ये की जाए कि जो चुनौती होगी अमित शाह के सामने वो होगी कि अपने कुनबे को टिकट वितरण के समय कैसे एक रखा जाए, जो नाराजगी है वो बड़ा रूप ना ले सके। तो कह सकते हैं कि तीनों जगह पर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वो एक सबसे बड़ा काम ये करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये चुनाव के समय पर उनका ज्यादातर वक्त इन तीन प्रांतों में बीतेगा। जी, चुनाव जीतने की रणनीति भाजपा लगभग बना चुकी है, उस रणनीति का हिस्सा है जो शिवराज जी की अब इस समय यात्रा निकल रही है और खुले हाथों से पैसा बांट रहे हैं, संबल योजना चला रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। ये चुनाव जीतने की रणनीति है। अमित शाह जी का कैंप करने का सबसे बड़ा काम जो होगा वो टिकट कटने से नाराज लोगों को कैसे काम पे लगाना। आमतौर पर क्या होता है किसी भी पार्टी में कि जिस किसी का टिकट कट गया कुछ लोग तो विद्रोह करके चले जाते हैं। भाजपा में विद्रोह कम होता है, लेकिन भाजपा में लोग चुपचाप घर बैठ जाते हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। मुझे लग रहा है कि अमित शाह जी एक ऐसी रणनीति बनाएंगे
कि जिसको टिकट नहीं मिला है वो किसी दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल ना जाए, और दूसरे क्षेत्र में वही नेता जाए जिसको कि टिकट मिला है, वो अगर कहे देख भाई फला साहब को जो है दूसरी जगह आप भेज दीजिए, वो मेरे ख्याल से यही काम करने के लिए। लेकिन रमेश जी, जिस तरह से अब मुखरता बढ़ी है बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में, हमने 2013 में देखा, लगता नहीं है कि इस बार अगर कुछ इस तरह की स्थिति होगी कि उनका जो एक आक्रोश है वो दिखे नहीं, तो एक बड़ी बात है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अमित शाह इसीलिए यहां पर वार रूम तैयार कर रहे हैं, न केवल भोपाल में, इंदौर में, भोपाल में भी कम से कम 3 से 4 जगह तैयारी है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल इसीलिए, उनका केवल पार्टी के भीतर कंट्रोल कैसे रहे उनकी यात्रा का उद्देश्य यही होगा, बाकी बाहर की लड़ाई की पूरी की पूरी रणनीति उनकी तैयार है, उसमें उनका चलिए बिल्कुल पूरी रणनीति के तहत काम करेंगे। अमित शाह वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सनत जी आपका। जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं टिकट की टेंशन को लेकर, चाहे बीजेपी के सामने हो चाहे कांग्रेस के सामने हो, तमाम तरह के फार्मूलों की बात कर रहे हो रही है, बीजेपी में भी हो रही है, 75 पार 70 पार की बात हो रही है, परिवार बात को लेकर भी हो रही है कि परिवार में जिससे नहीं लड़ना चाहते जो चुनाव वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो जिस तरह से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से कमान मध्य प्रदेश में संभाली, उस समय लग रहा था कि नहीं अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, एका हो गया है, लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी, दिल्ली में राहुल गांधी ने जिस तरह से चर्चा की नेताओं के साथ में, वहाँ की जो बातें सामने आई, आपको क्या लगता है कितना आसानी से ये काम होगा कि नहीं, तो दोनों के सामने टिकट की टेंशन है वो एक बड़ी चुनौती। देखिए भाजपा जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी, और इसमें भाजपा के जो भी नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो ये जानते हैं कि कैडर से बाहर हमारे जाने से जी फिर हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस हमेशा स्वतंत्र रूप से गुटों में बटी हुई थी, लेकिन वो भी इस बार अस्तित्व का संकट तो उनके सामने बने हुआ है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि आदत जाती नहीं है, तो वो अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस में विद्रोह इस बार भाजपा की तुलना में कम होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो पैसा है और जो भी कैंडिडेट आएंगे वो भाजपा के सामने दीनहीन अवस्था में खड़े होंगे। तो इस समय जो भाजपा में विद्रोह की ज्यादा संभावनाएं हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग भाजपा से भाजपा ही का नाराज हो गया, जो सत्ता में पिछले 12-15 साल से बैठा हुआ है, उससे दूसरा जो पक्ष है वो बिल्कुल उनसे दूर खड़ा हुआ है और उसकी 15 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब पार्टी में सबसे ज़्यादा संकट ये आ रहा है कि जो वर्षों पुराने लोग थे जिन्होंने पार्टी में जिनके परिवारों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन उनको कभी टिकट भी नहीं मिली, और अभी भी जो टिकट है वितरण का काम है वो कुल मिला के कहीं ना कहीं से ऊपर से लोग उतर के आ रहे हैं, स्थानीय लोगों से नहीं पूछा जा रहा है, तो इससे आरएसएस का जो प्रचारक और एक संगठन का जो बहुत बड़ा वर्ग था जो आज कम से कम 50-60 साल की और 65 साल की उम्र में खड़ा है, वो ये कह रहा है कि भाई हम पहले तो हमसे ठाकरे जी के ज़माने में टिकट पूछ के बांटी जाती थी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कौन की टिकट बटेगी, लेकिन अब तो सीधे ऊपर से लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्रोह तो भाजपा में ज्यादा देखने को मिला है, और संसाधन भी कांग्रेस की तुलना में भाजपा के पास बहुत ज्यादा है। तो क्या सनत जी, जैसे कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि लंबे समय से सत्ता से बाहर है और धन बल का ज्यादा इफेक्ट दिखेगा क्या, कि जो जैसे अब ये क्राइटेरिया भी बनाया था कि ये 50,000 रुपए जमा करना या अन्य तरह की जो स्थितियां थी, तो ऐसे में क्या वो दावेदार ज्यादा मुखरता के साथ आगे आएंगे जो हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है? नहीं, कांग्रेस में एक बात जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को आ रहा है कि टिकट वितरण को लेकर सब अपनी कोशिश जरूर करेंगे जी, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने आप को कि यदि सरकार बनती है तो हमें कहीं ना कहीं कोई पद मिल जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने की स्थिति उनकी भी नहीं है, उन्हें पैसा भी नहीं मिला है, तो वो जितना भी अभी वो उपद्रव होगा कांग्रेस में, लेकिन वो चुनाव वितरण के बाद उसमें 90% अपने आप खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस इस समय अपने अपने दलों के अलावा दूसरे दल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं,
जैसे अमित शाह जी ने जबलपुर के सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के नाराज नेताओं को या प्रभावी नेताओं को देखो जहां से हम उन्हें अपनी पार्टी में लाके और अपनी टिकटें जीत सकते हैं, तो अब ये तोड़फोड़ हमारे अपने स्तर पे खुद और जी दोनों दल कहते रहते समय समय पे, वो कांग्रेस कहती है बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में है, बीजेपी कहती है कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, तो संभावना लगातार तलाशते रहते हैं दोनों दल। तो देखिए दोनों को कहीं ना कहीं अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है और वो अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद का घर कम देख रहे हैं और दूसरे के घर पे ज्यादा ध्यान देख रहे हैं। महेश शर्मा क्या कहेंगे, दूसरों के घर पर ज्यादा डिपेंड रहेगी बीजेपी? देखिए हम तो संगठन बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे लिए जो है हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, सबकी इच्छा होती है चुनाव में जाने की, लेकिन चूंकि परिवार बड़ा है और टिकट हमको सीमित है संख्या, तो उसमें से हमारा जो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता होगा जो पार्टी के लिए चुनाव मैदान में विजयी होके आ सके, निश्चित तौर पर ऐसे उम्मीदवार का चयन पार्टी करेगी। जहां तक मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक अनिर्णय और अविश्वास के दौर में है, छत्रपों में उलझी हुई है। मध्य प्रदेश में जनता की बात इन्होंने विगत 15 वर्षों में कभी भी कोई एक बड़े आंदोलन के माध्यम से नहीं उठाई है, तो कहीं ना कहीं जनता इनका निर्णय पुनः एक बार करेगी। चलिए योगेंद्र सर जी क्या कहेंगे, जिस तरह से महेश शर्मा कह रहे हैं। देखिए राजेश जी मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने गुजरात में भी जो टिकट में फार्मूला अपनाया था, जीतने वाले को टिकट देना है, प्रभावी और ईमानदार व्यक्ति को वहां टिकट देना है, जिसका कांग्रेस को फायदा गुजरात में मिला। सरकार बनाने से भले ही हम चूक गए लेकिन काफी अच्छे परिणाम हमारे साथ हैं। कांग्रेस चुनाव की दृष्टि से संगठन पर काम काफी पहले से कर रही थी और उसके परिणाम भी आपने देखे, रतलाम चुनाव में 7 विधानसभाओं पर कांग्रेस की जीत मिली, आपने देखा बढ़त मिली। ये जितने भी उपचुनाव हो, चाहे अटेर की बात करें, चित्रकूट की बात करें, कोलारस मुंगावली की बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगी। अभी आपने देखा स्थानीय निकाय भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टाल दिए, इसलिए कि कहीं अगर परिणाम विपरीत आ गया तो जवाब क्या देंगे। पचमढ़ी का चुनाव एक उनके गले पड़ गया था, तो उसके परिणाम आपने देख लिए। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह को मध्य प्रदेश में कैंप करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने 12-13 साल के शासन में कोई बड़ा नेता नहीं रुकने दिया, कोई बड़ा नेता स्थिर नहीं रहने दिया। एकमात्र चेहरा मुख्यमंत्री थे जो चाहे पंचायत का चुनाव है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में वो अपना चेहरा लगाते थे और अपनी वजह से वो चुनाव जिताने का दावा करते थे। तो दूसरे नेता भी इस बात को लेकर के बैठ गए कि ठीक है आप ही चुनाव जिता लीजिए, कहीं स्मार्ट सिटी की घोषणा करना, कहीं मेट्रो डीपीआर लाना, बहुत सारी चीजें। आखिर क्या हुआ, मुख्यमंत्री आखिरी साल में एक्सपोज हो गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो कारण है, जो अभी मैं रमेश शर्मा जी को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा 100 टिकट के आसपास काटेंगे, तो इसीलिए कट रहे हैं कि आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जब अपनी विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, अपने मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो छोटे-छोटे कमेंट से लेंगे चूंकि वक्त कम है, रमेश शर्मा साहब के पास में आएंगे। रमेश जी जिस तरह से बात चेहरे की है जितेंद्र मिश्रा ने, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर, ये बात कुछ दिन पहले भी लगातार आ रही थी कि अब वो चेहरे की चमक, वो धमक और केंद्र का हस्तक्षेप, अमित शाह का हस्तक्षेप, लेकिन उज्जैन में जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई उसके बाद एक बार फिर चर्चा होने लगी कि नहीं अब जो चेहरा है वो शिवराज सिंह चौहान ही है, तो क्या माना जाए कि जो टिकटों का वितरण होगा उसमें सीएम शिवराज की सबसे अहम भूमिका होगी, सबसे ज्यादा टिकट जिनको वो कह दे कि इस पर मोहर लगाना है, क्योंकि वो जन आशीर्वाद यात्रा भी कर रहे हैं, वो जगह जगह देख भी रहे कि किस तरह का माहौल है। देखिए मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि इस समय मध्य प्रदेश में सबसे जो आकर्षक चेहरा है वो शिवराज का ही है। जन आशीर्वाद यात्राओं में भीड़ में हमने देखा, लेकिन शिवराज का जैसा कि स्वभाव है वो टिकटों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, उनके अपने जो जिसको अपन कहें मीडिया की भाषा में किचन कैबिनेट के, उनके जो लोग हैं 8-10-12-15 हद से इतने ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा वो किसी दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संगठन से जो सूची आएगी वही फाइनल होगी। जी सना जी क्या कहे, कांग्रेस में किस तरह की स्ट्रेटेजी, क्या कमलनाथ ही फाइनल करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, या फिर राहुल गांधी भी जिस तरह से फीडबैक ले रहे हैं, तो मिलजुल कर सारा काम दिल्ली और भोपाल के बीच होगा? देखिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस का जो टिकट वितरण में वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उसमें गुटी प्रतिबद्धता को अब सब दूसरे नंबर पे रख रहे हैं,
और इनको ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से अब यदि हमारी सरकार नहीं बनी तो आगे फिर हमारी हालत बहुत खराब होगी जी। तो ये इनके लिए कांग्रेस के लिए अभी प्लस ये कर रहा है कि सारे गुट के नेता लड़ाई कितनी भी लड़ रहे हों लेकिन एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए और टिकटों का वितरण ऐसे लोगों के पास हो जो चुनाव जीत सकें उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक रणनीति और बनाई है कि ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं इनके पास 2% 3% कुछ इस तरीके की वोट हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ लें। तो इस युद्ध विधानसभा के चुनाव में जो स्थितियां बन रही हैं उसमें कांग्रेस और भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। साम दाम दंडभेद कमलनाथ के आ जाने के बाद मुकाबला जो है बड़ा रोचक भी हो गया और संघर्ष वाला भी हो गया है जी। तो अब भाजपा भी इस चुनाव को बहुत हल्के में नहीं ले रही है और कांग्रेस को भी जन समर्थन पूर्व की तुलना में ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब तक ये अपने नेटवर्क को अंदर तक नहीं बना पाएंगे वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस के लिए भी बहुत आसान। यानी आपका कहना माहौल बन गया है, अब आपको नेटवर्क को नीचे तक कैसे पहुंचाना ये बड़ी अभी एक चुनौती सामने है कांग्रेस के लिए, सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी भाजपा के पास तो कैडर है, इनके पास कोई कैडर नहीं है जी। ब्लॉक लेवल पे इनके पास कार्यकर्ता है अभी अभी बना रहे हैं जी। वो कितना इनको फायदा पहुंचा पाएंगे ये समय बताएगा, बिल्कुल ये समय बताएगा। और जिस तरह से टिकट की टेंशन पे हमने चर्चा की दोनों ही दलों में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी अपनी स्थितियां परिस्थितियां हैं और उस हिसाब से टिकट को वितरण को लेकर टेंशन है। आज हमारी इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन साहब हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया सनत जी आपका। महेश शर्मा जी बीजेपी नेता आपका बहुत शुक्रिया। जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस नेता आपका बहुत शुक्रिया। और डिजाइनर ग्रुप के सलाहकार संपादक रमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े, रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो चुनावी विसात है वो धीरे धीरे बिछना शुरू हो चुकी है, अब बात टिकटों के वितरण को लेकर आ रही है। अलग अलग फार्मूले हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, लेकिन अब देखना होगा कि किसका फार्मूला सबसे सटीक बैठता है और कौन सा दल, या बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आती है या कांग्रेस वापसी करती है लंबे समय बाद, ये सब समय की बात है, समय पर ही छोड़ देना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।